बहुत थक गई हूँ मैं संतोष, बेंगलुरु पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? लगभग 4 घंटे और। ओह, क्या हुआ संगीता? संगीता क्या हुआ? वहां देखो संतोष, संगीता डरने जैसा कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूं, खुद देख लो। तुम पागल हो क्या? मजाक करने का भी कोई वक्त होता है? अरे तुम हर बार बेवकूफ बन जाते हो। तुमसे दोस्ती हुई उसी दिन से ये तय हो गया था कि हर वक्त मैं ही बेवकूफ बनूंगा। अरे संतोष, संतोष अब कहां जा रहे हो तुम? मैं मरने जा रहा हूं। फिर से कुछ मजाक करने वाली हो क्या? तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे रिकॉर्ड कर रही हूं। मजाक जीवन का हिस्सा होना चाहिए मगर जीवन नहीं होना चाहिए। संतोष, ओह, अब ये अचानक कहां गायब हो गया? आदि कॉलिंग, ये मोबाइल यहाँ कैसे? हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। ओ नहीं, वाओ ब्यूटीफुल। काफी इंटरेस्टिंग जगह है। माय गॉड, ये तो सबसे अच्छा है।
कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा ड्रामा तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं संतोष, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत ही डरावनी। स्टॉप इट संगीता, यू कांट फूल मी एवरी टाइम। संतोष मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा यकीन करो। संतोष तुम्हारी फालतू कहानियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, चलो जल्दी। जवाब दीजिए। सर तुम इसे लैब में भेज दो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बता देना। यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ तिलक बोलो। आई एम सॉरी टू से दिस, अनफॉर्चुनेटली ही इज डेड। क्या बात कर रहे हो सर, एक बॉडी और भी मिली है। व्हाट, एक और बॉडी मिली? क्या रहा है वहां पर? सर सारी जानकारी हासिल करने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ। तिलक ये खबर किसी भी कीमत पर फार्म हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए, बी केयरफुल। आई एम सॉरी सर, मीडिया को पहले से इसकी जानकारी लग चुकी है। हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता सर। तिलक इनिशियल रिपोर्ट जल्दी तैयार करो। ओके यस सर, मेक इट फास्ट। मैं कर दूंगा सर। सुनो इस फार्म हाउस का एक एक कोना सर्च करो, आधे घंटे में इस फार्म हाउस की सारी जानकारी और इस कत्ल से जुड़े सारे सबूत मेरे सामने होने चाहिए। ठीक है सर। सावधानी के साथ और जल्दी। ओके सर। कैमरा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने और दर्शकों के पसंदीदा स्टार डायरेक्टर श्री दयानंद देसाई आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देसाई जी, डायरेक्टर स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। देसाई जी आपकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं और पिछले 5 सालों से आप बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत रहे हैं। इसके अलावा आपके सारे फैंस आपकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सच कहूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खुशी भी महसूस होती है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपकी पिछली फिल्म अघोरी से पहले आपने अघोरियों को समझने के लिए हिमालय की यात्रा की थी, वो भी फिल्म के सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए इतना कष्ट उठाना जरूरी है? एक प्रेमी प्यार की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपकी नजर में ये सिर्फ प्यार है? एक माँ अपने बच्चे की खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देती है, आपकी नजर में वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा है माँ के लिए। यानी आप सिनेमा को माँ की ममता के साथ तुलना करना चाहते हैं? आपने उसे सिर्फ एक सिनेमा की तरह आंका है, फिर आप मुझे पूछ रहे कि क्या सिनेमा सबसे ऊपर है? आपका सवाल जरा क्लियर होगा तो उत्तर देने में आसानी होगी। देखिए आजकल फिल्मों का मार्केट थोड़ा सा डामाडोल है, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके सिनेमा बनाना कोई समझदारी की बात नहीं है, आपका क्या कहना है?
करोड़ों रुपए आपको रियल एस्टेट बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, फिल्म बनाने के लिए नहीं। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपका जुनून काम में आता है, करोड़ों रुपए नहीं। कहा जाता है कि सिनेमा डायरेक्टर का मीडियम है, क्या ये सच है? मेरे विचार में जो है वो स्क्रिप्ट ही है। बिना पटकथा के फिल्म बिना आत्मा के शरीर की तरह होती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। एक स्क्रिप्ट लिखने में कितना वक्त लग जाता है सर? कहानी एक मिनट में भी सोची जा सकती है या फिर साल भी लग सकते हैं। कहानी की बुनावट पर वक्त की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। फिल्म इंडस्ट्री में आप 100% कामयाब डायरेक्टर हैं। आपके मुताबिक कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? मेरे विचार से तो फिल्म की कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मेरी फिल्मों की कामयाबी कोई खास वजह से तो नहीं दिखती, शायद इसलिए कि दर्शक मेरी फिल्मों के पात्रों के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए हैं इसलिए, या फिर मेरी फिल्में उनको भा गई हैं, या फिर हमारा टीम एफर्ट उन्हें पसंद आया है। तो किसी फिल्म की कामयाबी के लिए मैं कोई भी एक वजह नहीं गिना सकता। सर, आप अपनी फिल्म की कहानी कैसे चुनते हैं? ये बहुत सिंपल है। मैं जब भी कोई कहानी सुनता हूँ या फिर लिखता हूँ, तब मेरे अंदर का निर्देशक मर जाता है, उसकी जगह जन्म लेता है एक दर्शक। जब तक वो दर्शक उस कहानी में यकीन नहीं कर लेता, तब तक निर्देशक नहीं जागता। अच्छा, एक बात बताइए, फिल्म डायरेक्टर बनने के पीछे आपका क्या लक्ष्य था? पूरी दुनिया हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हो, यही मेरा लक्ष्य है। आपकी अगली फिल्म कब शुरू होने वाली है? कहानी की खोज जारी है, स्क्रिप्ट तैयार हो जाए उसके बाद बात करेंगे। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गई हूं मैं, बंद करो आज से ये गुंडागर्दी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा प्यार चाहिए। थैंक यू आलोक। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। Cut it! Shot superb! सर, कैसा लगा शॉट? बहुत ही थ्रिलिंग था, बहुत बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। जैसे ही इस लड़की ने गोली मारी, एक पल के लिए मैं भी हिल गया था। अच्छा काम किया, गुड लक। थैंक यू सर। गुड लक। थैंक यू सर। इट्स ओके। ऐसे ही एनर्जी और एकाग्रता बनाए रखो अंत तक। तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे फिल्म दिखा दे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वन फोटो सर। ओके वेंकटेश, यू कैन टॉक टू हिम नाउ। ओके, हेलो सर। कैसे हो वेंकटेश? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? या आई एम फाइन। सर जी, आपको प्रोजेक्ट याद तो है ना? एक नया आइडिया घूम रहा है मेरे दिमाग में काफी समय से, क्लैरिटी नहीं है, कुछ वक्त की बात है, एक बार क्लियर हो जाए तो स्क्रिप्टिंग करूंगा। तो फिर हम इसका मुहूर्त कब करने वाले हैं? मुहूर्त? हाँ, कुछ अकल है कि नहीं तुम्हें? शादी की तारीख फिक्स हुई नहीं और तुम यहां हनीमून की तारीख पूछ रहे हो मुझसे। ठीक है, पर बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो चुप रहूंगा, पर मीडिया चुप नहीं बैठेगी। सुनो वेंकटेश, मीडिया और मुहूर्त के नाम पर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करना, समझे ना? I'm sorry, काफी इंतजार करवाया। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। माना मुझे देर होगी, बट रास्ता तो मैंने सही चुना था। तुम कल का फाइनल एग्जाम नहीं देकर डायरेक्टर देसाई से मिलना चाहते हो, है ना? तो ये टेंशन है। देखो, उनका अपॉइंटमेंट तो मुझे मिल गया है, 6 महीने की मेहनत का नतीजा है ये। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एग्जाम छोड़ के उनसे मिलना जरूरी है क्या? एग्जाम देने का तो दूसरा मौका मिल जाएगा, मगर इस तरह के मौके
दोबारा कभी नहीं मिलते। उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए कहानी ढूंढी जा रही है। किसी भी वक्त कोई भी कहानी फाइनल हो सकती है। एग्जाम के नाम पर अगर मैंने इसे खो दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दरवाजे पर आए मौके को मैंने छोड़ दिया। तुम कामयाब राइटर बनने का सपना देखते हो, माना, मैं समझती हूँ, मगर अपने जुनून के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, पागलपन मत करो, मेरी बात समझो प्लीज। कुछ हासिल करने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर ही लूंगा। तुम जो कर रहे हो वो पागलपन है। इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं, अगले हफ्ते कोशिश करते हैं, पक्का बता दूंगी। ओके सर, पक्का, बाय बाय। मैडम मैं अथर्व हूँ, आज 10 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा। एक सेकंड। अथर्व, हाँ है, 10 से 10:30 के बीच का अपॉइंटमेंट है, आप जाके मिल सकते हैं, कम इन। जब निवेदिता का एक्सीडेंट होता है उसी वक्त भागवत का दूसरा रूप उभर कर आता है। हालात का फायदा उठाने वाला वो संभल कर चलने का फैसला करता है। उसका पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी। सर एक्सक्यूज मी, अथर्व। जी सर, आ जाओ। थैंक यू सर, यू कंटिन्यू। उसका पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रॉपर्टी के कागजात वो मैंगलोर ब्रांच में कोरियर कर देता है। और सर उसके बाद वो उसके मर्डर का प्लान करता है। कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, कहानी पटरी से उतर गई है। तुम बैठो ना। कोई बात नहीं सर। इसमें क्या गड़बड़ी लगी सर? ये भागवत का कैरेक्टर अचानक से निगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव नहीं होगा सर, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? नो, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प प्लॉट बनाते रहो, कैरेक्टर से छेड़खानी करने की क्या जरूरत है? लेजी और पुअर राइटिंग हो जाती है। मैं समझ गया सर। स्क्रीन प्ले लिखते समय जीवित पात्रों से जुड़ने की कोशिश करो, उनसे कनेक्ट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे परिवार में या फिर कोई तुम्हारा दोस्त होगा, पता करो किसी ने कोई चीटिंग की है क्या, ऐसे ही किसी हालत में नाजायज फायदा उठाया है क्या। नए नए आइडियाज मिलेंगे, प्लॉट गढ़ने में आसानी होगी। ओके सर। ओके, इसका पूरा रीराइटिंग करके भेजना। जी बिल्कुल। ओके, यू सिट डाउन। थैंक यू सर। सर एक और बात है, वो रजनी आर्टिस्ट जो आपको उस दिन मिली थी, आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। वो उस कैरेक्टर्स की कंडीशंस थी, मेरी नहीं। कैरेक्टर सिचुएशन को मैच नहीं कर रहा है। ओके सर। अथर्व, अपने बारे में कुछ बताओ। इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में हूँ सर। स्टूडेंट हो? जी सर। फिर सिनेमा, ये कहानियाँ? ये मेरा पैशन है सर। पैशन है या पागलपन? इन सब से बढ़कर है सर, अब तो यही मेरी जिंदगी है। सर ये मेरी कुछ कहानियाँ हैं, अखबार में छपी थी। ये फिल्म और कहानियों में तुम्हें इंटरेस्ट कब से है? सच कहूँ तो लिखने के बारे में मैंने सीरियसली आपकी फिल्में देखने के बाद ही सोचा सर। मेरी फिल्में? जी सर। लोग कहते हैं कि कहानी आपके गले उतारना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसे एक चुनौती मानकर मैं आपके पास आया हूँ। तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। थैंक यू सर। कितनी कहानी है? पूरी 10 कहानियां लाया हूँ सर। 10 के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। एक काम करो, इनमें से जो बेस्ट 3 कहानियां हैं, अभी वक्त है तो मुझे सुना दो। ओके सर। यू कैन यूज द बोर्ड इफ यू वॉन्ट। श्योर सर। सिर्फ आइडिया ही सुनाना, कहानी ड्रैग मत करना, मैं बोर होता हूँ। जी सर। एंड डोंट फॉरगेट, सिर्फ 3 कहानियां सुनानी है। समझ गया सर। पहली कहानी का टाइटल है कब्र। सर ये एक थ्रिलर सब्जेक्ट है। एक घटना ने सारे बेंगलोर शहर को हिलाकर रख दिया था। इंस्पेक्टर क्रांति कुमार शपथ लेता है कि वो ये अपहरण का केस हर हाल में सुलझा लेगा। बड़ी मेहनत से वो इस हाई प्रोफाइल केस की सारी डिटेल्स इकट्ठा करता है। तहकीकात आगे बढ़ती है, तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। खबर यह है कि जिसका अपहरण हुआ था वो तो ऑलरेडी मर चुका है, मगर क्रांति कुमार केस वहीं बंद नहीं कर देते। वो उस लाश को ढूंढने का तय करते हैं और कब्रिस्तान पहुंचते हैं। अमावस की अंधेरी रात। क्रांति कुमार अकेले ही अपनी खोजबीन शुरू करते हैं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद मरे हुए शख्स का नाम उन्हें किसी कब्र पर नहीं दिखाई देता। लेकिन एक कब्र
उनका ध्यान खींच लेती है। वो उसके करीब जाते हैं क्योंकि उस कब्र पर उन्हें शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैमरा पैन हो जाता है और उसी कब्र पर फोकस करता है। दुख की बात यह है कि वो कब्र जांच कर रहे अफसर क्रांति कुमार की ही होती है। फिर बस सर, ये कहानी का एंड है? हाँ सर, ये कहानी थोड़ी अजीब लग रही है मगर मुझे पसंद नहीं आई। सर दूसरी वाली सुनाओ। हाँ ठीक है सुनाओ। ओके सर, इस कहानी का टाइटल है बलि। इस कहानी का जो नायक है वो है राज। राज थैला गाड़ी पर लॉन्ड्री का धंधा करता है। एक दिन एक औरत उसे अपनी साड़ी प्रेस करने के लिए देती है। जब वो प्रेस करने के लिए साड़ी की तह खोलता है तो उसमें उसे पैसों के बंडल मिलते हैं। वो सरप्राइज हो जाता है। गरीब और संघर्ष का जीवन जी रहे राज को पैसों की बहुत जरूरत है। राज उसकी साड़ी वापस कर देता है लेकिन वो पैसे अपने पास रख लेता है। औरत को इसी बात की उम्मीद थी, वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। मगर राज की खुशी और राहत की सांस बस कुछ ही पलों के लिए होती है। वो औरत पुलिस वाले को अपने साथ लाती है और राज को फंसा देती है और अपने धंधे में शामिल होने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरों के पैसे का मोह राज को अपनी जान की बलि देने पर मजबूर कर देता है। और कहानी यहां खत्म होती है सर। मैसेज अच्छा है लेकिन वो बात नहीं है, अगली वाली सुनो। तीसरी वाली सर सुनाता हूं सर। याद रखना, दिस इज योर लास्ट चांस। हाँ ओके सर। सर इस कहानी का टाइटल है प्यार के लिए। कहानी का हीरो अपनी दोस्त सौंदर्या को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसे छोटी सी चोट भी लग जाए तो वो डर जाता था। क्या हुआ सौंदर्या? कुछ नहीं, थोड़ी सी खरोच लगी है बस। खून निकल रहा है, चलो अस्पताल चलते हैं। अस्पताल? और नहीं तो क्या, बात कितनी सीरियस है, दिखता नहीं? कुछ सीरियस नहीं है। तुम चुपचाप चलो मेरे साथ। खून देख कर तो मेरा टेंशन बढ़ गया है, इससे पता चलता है कि तुम कितनी लापरवाह हो। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो आदि? पता नहीं क्यों करता हूँ, तुम्हारे शरीर या आत्मा पर लगी एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। I love you, आदि। मगर एक दिन, stop it। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई सर। जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। पूरी कहानी सुनकर फैसला कीजिए सर। Right now I'm not looking for a love stories, thank you। सर मैंने शायद आपको सुनाने के लिए गलत कहानियां चुन ली। सर सच कहता हूँ, मेरे पास और भी बहुत अच्छी कहानियां हैं। मैंने कहा ना ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम। सर प्लीज सर, मुझे निराश मत कीजिए, मैं बड़े सपने लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मगर कहानियों के मामले में जज्बाती होकर फैसले नहीं लिए जाते। सिर्फ दो मिनट दे दीजिए सर, आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हिमा, इस कहानी का टाइटल है बिंदा कलूर सर। एक्चुअली ये एक पीरियोडिक स्टोरी है सर। गांव में एक मदन नाम का इंसान होता है, वो किसान होता है। एक दिन उसे एक गुमनाम खत मिलता है बिंदा कलूर से। तुम ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट क्यों देती हो? सुनो मैं एक मीटिंग में होगी। सर वो गुमनाम खत पढ़कर मदन को बहुत ही दुख होता है सर। अपने दुख पर काबू पाते हुए प्लीज आप बाहर चलिए। वो बस स्टैंड की तरफ भागता है सर। मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूं। बस एक मिनट मैडम। सर वो गुमनाम खत मदन के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ देता है। प्लीज सेंड हिम आउट। आप बाहर चलिए प्लीज। एक ही मिनट सर, बस अभी कहानी खत्म हो जाएगी सर। आपको खत का सार तो बताने दीजिए। हाँ सुनो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। सर सर प्लीज एक मिनट सर। ए ड्राइवर चलो। सर वन मिनट सर, सर सुनिए तो सही सर। सर प्लीज सर, सर सर क्लाइमेक्स तो सुना नहीं दीजिए सर। हेमा जी सर, अशोक के स्टूडियो का मुहूर्त कब है? कल है सर। ठीक है, कल का और कोई प्रोग्राम है? अक्षत रंगभूमि के फंक्शन में आप ही चीफ गेस्ट है सर। ओह माय गॉड। सर
सर सर सर प्लीज सर 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 क्लाइमेक्स सुनकर आप फैसला कर लीजिए ना सर प्लीज सर 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 उस खत का सार तो सुन लीजिए सर। हेमा उसको अंदर भेज देना। सर लेकिन फिर से। डोंट वरी मैं संभालूंगा। मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान करने का मतलब क्या है? मैंने आपसे सुबह ही कहा था सर आपकी फिल्म के लिए कहानी लिखना मेरा लक्ष्य है। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया तो मेरा जीवन सड़क पर आ जाएगा। तुम्हें पता है मेरे पास दिन भर में 50 कहानियां आती हैं। किसी को भी नजरअंदाज नहीं करता, हर एक को सीरियसली पढ़ता हूं। मैंने तुम्हारी कहानियां भी ध्यान से सुनी है। सर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? देखो तुम्हारी कहानियां मेरी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। ना मैंने इस तरह की कहानियां कभी की हैं और ना मैं कभी करूंगा। सर आप बताइए तो सही कि आप चाहते क्या हैं? मैं वादा करता हूं आपके पास एक नई कहानी लेकर आऊंगा। एक बात बताओ तुम लिखते कैसे हो? तुम्हारे लिखने का तरीका मेथड क्या है? सर मैं कहानियां सोच समझ कर लिखता हूं, बहुत चिंतन करता हूं सर। लिखते वक्त मेरा ध्यान कभी नहीं भटकता। मैं सच कह रहा हूं सर, सब कुछ भुला देता हूं। मैं कहानी में खो जाता हूं सर। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या। कहानियां सिर्फ सोच से नहीं, बुद्धि लगाकर नहीं, दुनिया भुलाकर नहीं, दुनिया से सीखने के बाद लिखनी चाहिए। कहानियां अपनी अपने दुख अपनी भावनाओं अंदर की आग से निकलनी चाहिए। यह तुम्हारे राइटिंग में झलकना चाहिए। देखो सिनेमा के जरिए जो मुद्दे हम उठाते हैं वो लोगों के दिलों को छूने चाहिए। हमारी स्टोरीज में ऐसे जज्बात होने चाहिए। मगर तुम्हारी कोई भी कहानी में इतनी ताकत नहीं है कि लोगों के दिलों को छू सके। कोई भी जानदार पॉइंट नहीं है उसमें। अपने राइटिंग स्किल को और तराशो। आपका साफ साफ बोलना बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं समझ गया हूं सर। क्या समझे तुम? सर मुझे आपकी अपेक्षाएं समझ में आ गई हैं। जल्दी मैं एक अच्छी कहानी लेके आऊंगा। एक बात साफ साफ समझ लो। जी सर। ना तो तुम में एक अच्छे लेखक होने की क्षमता है, ना ही हुनर है, ना ही स्किल्स है। सच कहूं तो ये कहानी लिखना, फिल्में लिखना सिर्फ तुम्हारा फैशन है, जुनून नहीं है तुम्हारा, ये सच्चाई है। प्लीज सर, प्लीज सर, इस तरह की कड़वी बातें मत कीजिए। कहानी लिखना मेरे लिए फैशन नहीं, मेरी जिंदगी है। आप नहीं जानते सर, आज मेरा फाइनल एग्जाम था। आपसे मिलने के लिए मैंने एग्जाम छोड़ दिया। आप थोड़ा वक्त दीजिए सर, ऐसी कहानी लाऊंगा जो आपको इंप्रेस कर देगी। मैं अपनी काबिलियत साबित करके रहूंगा सर। सवाल ही नहीं उठता, इम्पॉसिबल है ये। बस कीजिए सर, और मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। मैं एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगा जो आपकी सारी कहानियों से बेहतर होंगी। उस कहानी को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दूंगा। याद रखिएगा मेरी बात, इट्स माय चैलेंज। वेंकटेश। हाँ सर बोलिए। आज तक मैंने जो कहानियां बनाई हैं वो छोटी सी कथा या घटनाओं पर आधारित थी, है ना? हाँ। अब के बाद मैं एक रियल कैरेक्टर को लेकर एक इंटरेस्टिंग कहानी का प्लानिंग कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे वो कैरेक्टर है कौन? वो क्या है वेंकटेश, सही वक्त आने पर मैं बता दूंगा, पर कहानी आज से शुरू होगी। नो प्रॉब्लम सर, वो जो भी होगा उसे मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। हेमा। यस सर। मेरी स्क्रिप्ट रूम खोल देना। ओके सर। इस कथा का नायक है अथर्व, बहुत ही बेसब्र।
और स्वभाव से जिद्दी। फिल्म के लिए कहानियां लिखना ही एकमात्र लक्ष्य है उसके जीवन का। सर, फार्म हाउस सर्च करने पर हमें यह फाइल मिली सर। बालकनी B5, पढ़ो इसे जल्दी। इसके नायक का नाम है सर। ये तो कोई कहानी या नॉवेल लगती है सर। ए, मैंने बोला पढ़ो इसे, अपनी राय मत दो, चुपचाप पढ़ो इसे। ओके सर। इस कहानी का नायक है अथर्व। वैसे तो ये बहुत ही बेसब्र और स्वभाव से जिद्दी है। फिल्म के लिए कहानियां लिखना ही एकमात्र लक्ष्य है उसके जीवन का। और उसके लिए आगे पढ़ो। ए, टाइम देखो, इस वक्त क्यों बुलाया तुमने मुझे यहां? वक्त का कोई अंदाजा नहीं है क्या तुम्हें? तू कहीं पर नाइट वॉचमैन का काम करता था। अंकल, आप कितने ईमानदार हैं? क्या कहा? आप कितने ईमानदार हैं बताइए। देखो बेटा, ये तब की बात है जब तुम छोटे थे, अब तुम बॉस हो। बड़े बॉस की तरह बोल रहे हो, अब तो बहुत बड़े हो गए हो, शाबाश। अंकल, ये जवाब नहीं है। आप कितने ईमानदार हैं? सुनो फिर, ये गुड़ को देखकर चींटी आती है और फूल को देखकर भौरे आते हैं, उसी तरह वर्दी में पुलिस वाला होता है। हम सब जो है ना, एक ही परिवार के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही कुल के हैं। ठीक है, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। उसके लिए आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल या गैर इस्तेमाल, जैसा भी आप समझे। मैं डायरेक्टर देसाई की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और उस कहानी को वास्तविक बनाने के लिए मुझे कुछ मुजरिमों का इंटरव्यू लेना है। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तुमने मुझे इतना अर्जेंट कहकर रात के इस वक्त यहाँ पर बुलाया तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, पर तुम ये बकवास कर रहे हो। इस वक्त तुम्हारे सामने अपनी पूरी वर्दी पहने हुए एक पुलिस वाला खड़ा है। मुझसे भी बड़ा कोई क्रिमिनल होगा। शुरू करो अपना इंटरव्यू। आप मेरी रिक्वेस्ट को सीधे सीधे मना कर सकते थे। देखो, ये क्राइम जो होता है ना, बहुत बड़े समुंदर की तरह होता है। उसमें तुम्हें मछली भी मिलेगी और शार्क भी मिलेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? ये गांजा, अफीम, कोकेन, इनके सौदागरों से मिलना चाहता हूं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। गांजा और अफीम, 2 दिन का वक्त दो मुझे, मैं तुम्हें सब बताता हूं। 1 मिनट, मेरे बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। मैं ध्यान रखूंगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे तुम जो ये कहानी लिख रहे हो ना, उसका टाइटल क्या है बताओ? BB5। BB5 मतलब बालकनी B5। BB5 बालकनी B5।
खाना खाया दोस्त? नहीं, पानी पूरी खाई थी। सिर्फ पानी पूरी खाई? तो फिर ये लो। थैंक यू। जल्दी निकलो यहाँ से। समहाउ गले नहीं उतर रही ये बात। एक सेकेंड। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मंजू बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो मंजू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपकी सारी फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ सर, और उससे भी बड़ी बात, मन में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। थैंक यू मंजू। मगर आप अपनी कमाई हुई इज्जत को खोना क्यों चाहते हैं? अपनी नई फिल्म की कहानी की तलाश में आप हमारी रोजी रोटी को छीन रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, भगवान भी हमारे धंधे में टांग अड़ाएगा ना, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। कमाई चाहिए तुझे? मेरा बिजनेस खराब करेगा? मैंने उस दिन बोला था कि तुम जो कर रहे हो वो पागलपन है। मैंने भी उसी दिन कहा था कि पागलपन के बगैर जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। तुमने मुझे लक्ष्य और कामयाबी का लेक्चर दिया था और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, और अब तुम गुंडों के हाथों पिट के आए हो, तो यही है तुम्हारा लक्ष्य और कामयाबी? सुनो अथर्व, जो हो गया उसे भूल जाओ, कम से कम अब तो मेरी बात मानो और जीवन में सेटल हो जाओ, प्लीज। कम से कम मेरी खातिर, मेरे प्यार के खातिर। तुम्हारे प्यार की खातिर तुम चाहती हो कि मैं अपने सारे लक्ष्य दफन कर दूं? घर पे मेरी शादी को लेकर दबाव बढ़ रहा है, प्लीज समझो। अगर तुमने एग्जाम देकर नौकरी हासिल कर ली तो फिर मैं अपने माँ बाप से बात कर सकती हूँ अपनी शादी की। लगता है कि एक लेखक से प्यार करके तुम डर या किसी तनाव में हो। जरा प्रैक्टिकली सोचो, जीवन अलग होता है, सपने अलग होते हैं, जो कहानियां कविताएं तुम लिखते हो उनकी समाज में कोई कीमत नहीं मिलेगी तुम्हें। सपना, एक बात तो तुम प्रैक्टिकली समझ लो। समाज में जो जीता है वो सामान्य आदमी होता है, लेकिन समाज से ऊपर जो उठ जाता है वो कामयाब होता है। मैं जानती हूं तुम एक लेखक हो, लफ्जों में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अथर्व, तुम जानते हो ना, मैं चेन्नई जा रही हूँ और वहाँ मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। अगर मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर रही तो शादी के प्रस्ताव से दूर रह सकूँगी। ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। तुम्हारे लक्ष्य और कामयाबी के साथ मेरे बारे में भी सोचना, प्लीज़। I love you. I will miss you. हेलो, डायरेक्टर देसाई के ऑफिस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। सर आपसे आज ही मिलना चाहते हैं, आप जल्दी आ जाइए। यस मैडम। तुम्हें लगता है तुम्हारा तरीका सही था? गलत था सर, सॉरी सर।
मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई। अब तुम्हें इस गलती को सुधारना होगा। सर आप जो कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। कभी भी इम्पॉसिबल काम को आसान बना लेना, उस पर यकीन करने की क्षमता अपनी जिद और पक्के निश्चय से ही मुमकिन होता है। तुम में वो खूबी नजर आई है मुझे। आई लाइक योर डेयरिंग नेचर। अब से तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। सर? यस, अब से मेरी टीम का हिस्सा हो तुम। सर थैंक यू सर, आपने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। तुम जैसे चाहो वैसे कहानी सोच सकते हो, उसी राह पर चलते रहो। श्योर सर। किसी से इस बारे में मत कहना जब तक मैं ना बोलूं। कीप इट सीक्रेट। जी सर। हर दो दिनों बाद मुझसे मिलके अपनी प्रोग्रेस बताते रहना। ठीक है सर। गुड लक। थैंक यू सर। कामयाबी की राह में अड़चने आना स्वाभाविक है, फिर भी अथर्व ने हर मुश्किल का सामना किया, हिम्मत से आगे बढ़ता रहा अपने लक्ष्य की ओर। अंकल एक आखिरी बार मदद कर दीजिए। बेटा राइटर महोदय, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। जिस स्पीड से तुम कहानी के पीछे भाग रहे हो ना, मेरी गद्दी हिला कर रख दोगे। मुझे कैसी भी तकलीफ हो, मैंने अपना प्रॉमिस तो निभाया ना। ओए बेवकूफ, इस बार तुमने थोड़ी भी गलती की होती तो मैं जेल के अंदर होता। मगर ऐसा हुआ तो नहीं ना, आप डरते क्यों सर? बस वन हेल्प मेरी उस कहानी के लिए जिसे मेरे डायरेक्टर ने पसंद कर लिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, ये चाकू की धार से भी बहुत तेज होता है। ठीक है, अगले हफ्ते मुझे फोन कर लो, मुझे थोड़ा सोचने का मौका। बार बार मुझे नए नए नंबरों से फोन मत किया करो, अनजान नंबरों के कॉल्स में नहीं उठाता। और दोस्त बिजनेस कैसा चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। ठीक है, इस नंबर पे 100 रुपीज का रिचार्ज करना। नंबर बोलिए। 9739 14। प्लीज स्टॉप सर। सर प्लीज रुकिए, मैं जल्दी में हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? जरा दूर हो जाओ। अब बोलो। सर मुझे जल्दी से मैजेस्टिक पहुँचना है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? आज शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर मैं मैजेस्टिक नहीं पहुंची तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी सर। एक ऑटो पकड़ो, उसे अपनी तकलीफ और जगह का नाम बताओ, वो तुम्हें फौरन पहुंचा देगा। हाँ, ऐसे पत्थर दिल आदमी से बात करके कोई फायदा नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। ओ मैडम, प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर दरअसल मेरा पर्स खो गया है, ऑटो को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पहले ही बता दिया होता तो मैं मना नहीं करता ना। थैंक यू सर, आप मान गए, भगवान आपका भला करे और भगवान आपको मेरे जैसी स्वीट और ब्यूटीफुल वाइफ दे। उतरो नीचे। मैंने कहा नीचे उतरो। क्यों सर? बोला ना उतरो। मदद करने के लिए तैयार हुआ हूँ, ड्रॉप करने के लिए नहीं। ये लो ऑटो से चली जाओ। खड़ूस कहीं का ले। ए, तेरी। डोंट वरी अंकल, अब की बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। मैं समझता हूं अंकल, मैं संभालूंगा। ओके
ओके अंकल, बाय। गुड मॉर्निंग। योर ऑर्डर सर। वन प्लेट इडली। हाँ, सिर्फ इडली? क्यों जानू, तबीयत तो ठीक है ना? स्वीट में क्या मिलेगा? जामुन, केसरी हलवा, मैसूर पाक और रसगुल्ला। दो जामुन। ओके मैम। आज फिर कुछ गुम हो गया क्या? आज कुछ गुम नहीं हुआ है, मगर मेरा दिल, मेरा मन शायद चोरी हो गए हैं। सामने इतनी सीटें खाली हैं, तो यहाँ आकर क्यों बैठी हो? हाँ, सामने की सीटें तो खाली हैं, लेकिन यहाँ एक जेंटलमैन बैठा है, इसलिए। इस सीट पर शरीफ आदमी बैठा है। मैं मानती हूँ तुम बहुत शरीफ हो, फन लविंग हो, अलग भी हो और वेरी वेरी हॉट भी हो। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी ये हरकतें मुझे भटका नहीं सकती। ए, एक मिनट अथर्व, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज बैठ जाओ प्लीज। सर। मैडम। मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 50 लव लेटर्स मिले थे, सेकंड ईयर में वो डबल हो गए, थर्ड ईयर में गिनती 200 के ऊपर चली गई। सब उठाकर रद्दी में बेच देने चाहिए थे, थोड़े पैसे मिल जाते। वो क्या है ना, मैं एक चुटकी पर जब चाहूं तब सारे लड़कों को नचा सकती हूँ। तुम लकी हो, तुम्हारा ये जादू मुझ पर चल गया। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन रहूंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह, टेम्पररी बीवी की तरह, या जैसा तुम चाहो वैसे। और डिटेल में क्या समझाऊं, क्योंकि तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो कल इसी समय इसी जगह मिलते हैं। हाँ, मेरा ये ऑफर फ्री नहीं है। हाँ, ये पूरा पैकेज तुम्हें 50,000 में मिलेगा। उस दिन उसने मुझसे बाइक पर लिफ्ट मांगी थी, और आज तो वो बिल्कुल एक कॉल गर्ल की तरह बर्ताव कर रही थी। ऐसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखे हैं सर। उसकी हरकतों से मैं डिस्टर्ब हो गया हूं सर, आपको ही गाइड करना पड़ेगा। अब उसका ऑफर मैं मान लूं या ठुकरा दूं? तुम्हारा उसके बारे में क्या विचार है? मेरे तो सिर्फ निगेटिव विचार हैं सर। वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। उसके रवैये ने मुझे उलझा दिया है, और उसकी बातों से और हरकतों से तो मुझे डाउट होने लगा है। हाँ, सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात है सर, उसका साथ मुझे मेरी कहानी में मदद कर सकता है। अगर मैं कहूँ तो तुम उससे मिलोगे? बिल्कुल सर, मैं मिलूंगा उससे। और अगर मैं ना कहूँ? फिर ना कहोगे तो नहीं मिलूंगा। Are you sure? सर, जैसे लकीली कोई बॉलर सेंचुरी मार दे या कोई बैट्समैन हैट्रिक विकेट ले ले, तो बस उसके बारे में यही ख्याल है मेरा सर। बट फाइनल डिसीजन तो आपको लेना है सर। अथर्व, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर किसी और की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, जस्ट गो अहेड। लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। hmm? उससे मिलने के लिए मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हेमा, वैसे उसका नाम क्या बताया तुमने? सर, मैंने आपको पहले ही बताया ना, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। यस सर। इसे अभी 50,000 रुपए दे देना। ओके सर। थैंक यू सर। गुड लक। अपने मकाम पर नजर रखे अथर्व तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। जान तक दांव पर लगा दी थी, अपने नैतिकता के बंधन तोड़ डाले थे। सर क्या लेके आऊं? सर क्या लेके आऊं? वन प्लेट इडली। जी सर। इडली नहीं, जामुन लाना। ओके सर। ए, तू हंसा क्यों, जामुन नहीं है क्या? है ना सर, लाता हूं। तो जाके ले क्या। इडियट कहीं का ऑर्डर लाने की बजाय मजाक उड़ा रहा है। अह
हेलो, हाँ बस आ रहा हूँ। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने को हमेशा तैयार रहते हैं सब। वो आएगी या नहीं, लगता है नचा रही है मुझे। क्या करूं, अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। लगता है उसी का फोन है। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ ये जरूरी नहीं है, मगर लाइफ में कभी पेशेंट नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब? मुझे आधे घंटे में मिलो, मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ। बाय। थोड़े कंफ्यूज्ड हो। सवाल ही नहीं उठता, बल्कि मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। कसाई हमेशा ही कूल रहता है, टेंशन तो बकरे को ही होता है। तो अब क्या प्लान है? तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। ओह, मतलब इनडायरेक्टली तुम चाहते हो कि जगह भी मैं ही चुनूं? बहुत ही मजा किया हो तुम। तुम मेहमान को कह रहे हो कि अपना खाना पीना घर से खुद लेकर आओ। सच में तुम तो बहुत ओवर स्मार्ट निकले। असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। I'm surprised, तुम सिर्फ बात ही करोगे क्या? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक लेखक हूँ। मैं यहाँ पर जो तुमसे बात करना चाहता हूँ। बिहेव योरसेल्फ, हाथ हटाओ। ओह, तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो? ये अचानक यू टर्न किस लिए? पहले पैसे। ओह, प्रोफेशनल। ना एक पैसा कम ना ही ज्यादा, पैसे एकदम पूरे हैं, 50,000। गुड। तुम कुछ कह रहे थे ना, तो बोलो। असल में मैं एक राइटर हूं, तुम्हारी शर्तें मानकर मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं। You continue. अथर्व, हेमा ने मुझे सब कुछ बताया। कैसे हो तुम? बेहतर हूं सर। एक मास्टर प्लान बनाकर उसने मेरे साथ धोखा किया। फंदे की गांठ की तरह जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना ही मैं फंसता जाता हूं सर। उस दिन तो उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और आज मैसेज करके कहती है कि आई एम सॉरी। तो क्या सोचा है तुमने? कहानी अब शुरू हो चुकी है सर। अगर एक लड़की इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो लड़का होकर मैं कैसे हारूं? क्या मतलब तुम्हारा? मैं उसे ढूंढूंगा सर, उसका पता ढूंढ निकालूंगा। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है उसे। देखो, बिना सोचे हड़बड़े में कोई भी डिसीजन मत लेना। लोहा गर्म हो तो ही चोट करनी चाहिए। सर प्लीज रोकिए मत, मैं सावधान रहूंगा। गुस्से को अपने पर हावी मत होने देना। डोंट बी हेस्टी।
वो मिल जाए तो मुझे फोन करना। पार्ट करो इसको, फॉलो करो। गुड, गो फॉर द ब्लैक। भले ही वो दुविधा में हो मगर अथर्व उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। घोड़े की तरह भागता है उसके पीछे। मुझे छोड़ दो। देखो मेरा पीछा मत करो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, मेरी बात मानो। मत करो, उनके पाँव में हल्की सी खरोच आ गई है, डर के मारे शायद वो बेहोश हो गई थी। उनको डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। ओके। बोलो सच क्या है, कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? बोलो। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो फिर मेरी मदद मांगने का बहाना क्यों बनाया था? कॉल गर्ल की तरह बर्ताव क्यों किया? अपने भाई किरण की खातिर मैंने तुमसे झूठ बोला। अच्छा, फिर से नई कहानी हाँ? देखो मैं सच बोल रही हूँ, मैं कृति हूँ, किरण मेरा भाई है। लड़कियों के मुद्दे पर हमेशा लड़ता रहता था। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर, एंजॉय करो। क्या हुआ, लो ना। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं दोनों खा लूंगी। सब कहते हैं हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सब झूठी बातें हैं। इस दुनिया में हमेशा से ही लड़कियां फायदा उठाती आई हैं। हमारी सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब क्या हुआ है? मानता हूँ लड़कों की गलती पर उनको डांट पड़ा ही करती है, लेकिन जब लड़कियां गलती करती है तब भी लड़कों को ही डांट पड़ती है, ये तो गलत बात है। देखो किरण, आजकल का समाज लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करता, दोनों समान हैं। कोई समान नहीं है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ और तुम मुझे थ्योरी बता रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तुम प्रैक्टिकली साबित कर दो फिर बात करेंगे। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। ठीक है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल रात 8 बजे से आधे घंटे तक तुम्हारा फोन बिजी था, किससे बात कर रही थी तुम? लगता है मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से तुम कॉलेज से भी गायब हो, आखिर गई कहाँ थी तुम? देखो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। झूठ मत बोलो मुझसे। जोर से मत बोलो, लोग देख रहे हैं। ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं मेरी प्रॉब्लम है, लोग देख रहे हैं तो देखें, मैं अपना मुंह क्यों बंद करूं? बोलो बोलो। कुछ तो गड़बड़, चलो देखते हैं।
क्या क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं संभाल लूंगी। ए मिस्टर, लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप जाओ अपना काम करो, जाओ। ए भाई सुनो किरण, पब्लिक में लड़की पर हाथ उठाना पर्सनल मैटर नहीं होता। मैडम पुलिस को बुलाऊं क्या? नहीं सर, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। लड़कियों से कैसे पेश आते हैं इतना भी पता नहीं है तुम्हें? लड़की की हालत तो देख, कितनी डर चुकी है वो। नहीं सर, नहीं सर, आप जाने दीजिए, हम लोग देख लेंगे। प्लीज प्लीज आप जाइए, आप जाइए सर। चलो कैसे कहां कहां से चले जाते हैं, लड़की भी उसका साथ दे रही है। देख कल रात 8 बजे से लगातार आधे घंटे तक तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। किस लड़की से रोमांस कर रहे थे? अच्छा वो मेरा फोन खराब हो गया था। झूठ मत बोलो। नहीं डार्लिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें आज ही डिसाइड करना होगा, या तो मैं या फिर वो। हे प्लीज जोर से मत बोलो, सब लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे बात करो ना। ए ये मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर लोग देख रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं अपना मुंह बंद कर लूँ? बोलो बोलो ना। लड़का होकर लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्या दिन आ गए। अरे बोलो अब क्या हुआ, बोलो। इस वीडियो को वायरल कर देते हैं। बोलो बोलो, मुझे जवाब दो। क्यों, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, अब क्या बोलती हो? देखो वो एरिया इस नाटक के लिए सही नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों ने लड़के को सपोर्ट नहीं किया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, हर जगह 100% यही रिजल्ट होगा, क्योंकि आदमी की जिंदगी एक कुत्ते की तरह होती है। देखो राय का पहाड़ मत बनाओ, चुप रहो। अच्छा मैं राय का पहाड़ बना रहा हूँ? और नहीं तो क्या। तुम इस बात को मान लो, ये फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेरा भाई हर मामले में निराला था, पर भगवान जाने क्यों जब भी लड़कियों की बात उठती तो वो जैसे बगावत कर बैठता था। हम लोग हुबली के रहने वाले हैं, हमारे बचपन में ही हमारे माँ बाप चल बसे, और उनकी इच्छा के अनुसार ही हमारे मामा रंजन ने हम दोनों को बेंगलुरु भेजा, हमें पढ़ाया लिखाया, किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी। हमारे मामा हमसे बहुत प्यार करते थे, और एक दिन मेरे मामा हमें बिना बताए बेंगलुरु पहुँच गए। कृति सुनो, कॉलेज की छुट्टियों के वक्त तो तुम फ्री रहती हो ना, तब तो मिलने आ सकती हो ना, अपने मामा की जरा सी याद नहीं आती। सच कहते हुए हम हर साल प्लान बनाते हैं मामा, पर क्या करूं, ये बेंगलुरु की लाइफ इतनी फास्ट है मामा कि हमारी छुट्टियां कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। याद आया, वो तुम्हारा बेवकूफ भाई किरण आजकल वो कैसा है? ठीक है मामा, पूरे दिन औरत जाति को कोसते फिरता है फिर भी खुश है। याद आया, मुझे तुमसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। तुम्हारे एजुकेशन के लिए मैंने वो लोन लिया था ना, तो जमीन गिरवी रख दी थी, उसी के एग्रीमेंट के पेपर लाया हूँ, तुम एक बार जरा इसे पढ़ लो तो। ये क्या कह रहे हैं, आज तक कभी आप पर मैंने शक किया है? बात शक की नहीं है बेटा, रुपए पैसों का मामला है, बिजनेस, कल कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्लीज एक बार पढ़ लो तुम। मामा प्लीज, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। समझा करो बेटा, इस पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। आपको मेरे साइन चाहिए ना? हाँ। लाइए। एकदम पागल लड़की है। ये देखो लास्ट पेज। हाँ। पर यहाँ 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 साइन कर दो। ठीक है मामा, यहाँ भी साइन करना है? हाँ हाँ यहाँ। अच्छा कृति, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हाथ मिला रही हो, कोई बिल पास करवा रहे हो क्या मामा? आओ राजकुमार, आओ बैठो, आ जाओ। ये क्या है? ये हम दोनों के एजुकेशन लोन के पेपर्स हैं। अच्छा दिखाओ मुझे। ए तुम जरा चुप रहोगे? हाँ बेटा तुम वो लास्ट पेज पर साइन कर दो। हाँ। रुक जाओ, पहले मुझे इसे पढ़ने दो। ये भी अपना दिमाग लगाएगा। मामा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी जेरोक्स कॉपी करवा के आता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या, साइन करने के बाद ही जेरोक्स निकाला जाता है। अच्छा क्या लगता है आपको, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ बेवकूफ, बदतमीज, बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी गैर जिम्मेदार है। हेलो कृति, मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर रिएक्ट मत करना, प्रॉपर्टी के मामले में मामा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पहले किसी वकील से बात करते हैं और फिर तय करते हैं कि हमें साइन करना है या नहीं। अब तुम किसी तरह मामा से पीछा छुड़ाओ और पास वाले सर्कल पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, किसका फोन था? मामा मेरी फ्रेंड के पिताजी अचानक बहुत सीरियस हो गए हैं। अच्छा, मुझे जाकर उन्हें मिलना होगा अभी। हाँ सुनो बेटा,
वो किरण वापस आ जाए तो तुम साइन करके चली जाना। मामा उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, मैं कल साइन कर दूंगी, हम फिर मिलेंगे, बाय मामा। साइन करके चली जाती बेटा तो परिस्थिति बदल गई और लोकेशन भी, मगर मेरा भाई नहीं बदला। वही स्वभाव, वही बर्ताव। एक बार फिर लड़कियों को उसने कोसना शुरू कर दिया। उसी मुद्दे पर उसने मुझे एक और चुनौती दे दी, मगर उस दिन मैंने उसकी चुनौती को जाति तौर पर ले लिया। बस उसी दिन से मैं ढूंढने लगी एक ऐसे बकरे को जो लड़की की मदद नहीं करेगा। मेरी खोज के दौरान तुम मुझे मिले, जब तुमने मुझे ड्रॉप करने से इनकार कर दिया, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। किरण मैं जीत गई, मैं चैलेंज जीत गई। दिन में आसमान की ओर देखकर सितारों की खूबसूरती का पता नहीं चलता। तुम्हारी कसम, उसने मुझे ड्रॉप करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे ऑटो के लिए पैसे भी दिए। क्या कुछ भी बोलती हो तुम, एक ही झूठ बार बार मत बोलो, टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह। ठीक है सुनो। ए, मजाक की भी कोई हद होती कृति, ये करना सही नहीं है। दिन में सितारे नहीं देखे जाते, ये भी वही बात हुई ना। कृति ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है मैं मान लेता हूँ तुम जीत गई। अब अपनी बात से पलट मत जाओ, मुझे मेरी काबिलियत दिखाने दो। जब एक लड़की किसी चैलेंज की खातिर कॉल गर्ल बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसका भाई चौकन्ना तो रहेगा ही ना। उस वक्त मैंने अपने भाई की आंखों में मेरे लिए प्यार, फिक्र और डर देखा, लेकिन उस वक्त मेरे पास उसकी इन भावनाओं को समझने की शक्ति ही नहीं थी। और उसकी वजह तुम थे अथर्व, क्योंकि तुम पर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा हो गया था। अगले दिन जैसे ही तुम होटल पहुंचे, मैं अपने अगले कदम को लेकर कंफ्यूज्ड हो गई थी। हेलो किरण, मैं चैलेंज हार गई हूँ। मतलब हुआ क्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ किरण? जब किरण ने जवाब नहीं दिया तो मैं बहुत घबरा गई। फोन पर मैंने सुना कि किरण ने 50,000 रुपए कहा, तभी मुझे याद आया कि तुम्हारे पास 50,000 हैं, इसलिए मैंने तुम्हें एक सुनसान जगह पर बुलाया और तुम्हारे पैसे छीन लिए। उन्हीं पैसों से किरण ने मामा की शराब और औरतों की लत के पैसे चुका दिए और मैं वहां से भाग निकली। लेकिन बहुत सावधान रहने के बावजूद भी मेरे मामा को हमारे नए घर का पता चल गया। उनसे बचकर भागने के चक्कर में तुम सामने आ गए और मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया। एक छोटे से चैलेंज की खातिर इतना बड़ा ड्रामा, तुम्हारा फ्लैशबैक सुनकर तो मुझे घिन आ रही है। एक गेम जीतने के लिए कोई भी अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाता, और कॉल गर्ल की तरह एक्टिंग करना। थू, जरा मेरा बैग खोलोगे प्लीज? अंदर कुछ है? बढ़िया, तुम्हें कुछ तो मिल गया, लाओ लाओ प्लीज दो ना मुझे। सुपर। तो क्या बोल रहे थे तुम? एक छोटे से चैलेंज के लिए मैंने कॉल गर्ल की एक्टिंग की। मेरी कोई इज्जत, मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है, सही कहा ना? मेरी इज्जत और मर्यादा की बात करते हो, मगर उस दिन जब मैंने बुलाया तो पूंछ हिलाते हुए मेरे पीछे चले आए थे, वो भी 50,000 रुपए लेकर। तब तुम्हें अपनी इज्जत, मान मर्यादा का ख्याल नहीं आया? तुम्हारा बैकग्राउंड पता होता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। वो क्या कहावत है, हाथ ना लगे तो अंगूर खट्टे। मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें मत करो। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, गंदी अच्छी बुरी ये लेबल तो तुम ही लगा रहे हो। मैं वाकई बेवकूफ हूँ, सोचा था कि तुमसे मेरी कहानी में मुझे मदद मिलेगी। ओहो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ और तुम हंस रही हो। एक्सक्यूज मी सर, बिल दे दो उसे। हे भगवान, ये क्या है, ये बिल तो हनुमान की पूंछ की तरह है। अगर उस दिन मुझे ड्रॉप किया होता तो आज तुम ये हॉस्पिटल का बिल नहीं भर रहे होते। क्या मतलब? मतलब मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मेरा सारा खर्चा तुम्हें ही करना होगा। मेरी फूटी किस्मत,
थैंक यू। सुनो, तुम्हारा पीछा करके मैंने जो गलती की उसका बिल भर दिया। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते, ये लो और गुड बाय। ओहो, सजा के तौर पर तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही बच जाओगे? तो फिर? अथर्व, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। जाना कहाँ है ये बताओ, कैब बुक करता हूँ तुम्हारे लिए। इस वक्त तो मुझे पता नहीं। मतलब? मैं अपने भाई के कॉल का इंतजार कर रही हूँ, मगर उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ तो? ये क्या सवाल है? तब तक तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। पागल के चक्कर में पड़ गया हूँ मैं। देखो, मैं कोई आश्रम या अनाथालय नहीं चलाता हूँ जो तुम्हें सहारा देते बैठूं। मैं कोई जोकर नजर आ रहा हूँ क्या तुम्हें? नहीं, कसम से, मैं तो सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी अथर्व। ओके, यू डोंट वरी, किरण आधे घंटे में यहाँ आ रहा है, मेरी फोन पर उससे बात हो चुकी है, तुम जा सकते हो। ये कोई नया ड्रामा तो नहीं है ना? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें पहले ही बहुत तकलीफ दी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुमने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मेरा ध्यान रखा, उसके लिए थैंक्स। अथर्व, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? लेकिन क्यों? मेरी डायरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी, मेरी जिंदगी का हर पल, माय एक्सपीरियंसेस, मेरा दर्द, मेरी खुशियां, मेरे जज्बात, सब इस डायरी में कैद हैं। मुझे यकीन है ये डायरी तुम्हारी कहानी के लिए मददगार साबित होगी। लेकिन ये तुम्हारी पर्सनल है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। प्लीज मुझे मना मत करो अथर्व, इट्स माय रिक्वेस्ट। मैं अपनी खुशी से ये डायरी तुम्हें दे रही हूँ। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुमने किसी बात की परवाह नहीं की, बहुत बड़े बड़े खतरे भी मोल लिए हैं, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तुम्हारे इस सफर में मैं भी एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती हूँ, इसे मेरा स्वार्थ समझ लो, एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे भी एक मौका दे दो अथर्व। प्लीज मना मत करना, भगवान तुम्हारे सारे सपने सच करें। तुम्हारी कहानी पर जल्द ही कोई फिल्म बने, मैं उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी। ऑल द बेस्ट। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुमने किसी बात की परवाह नहीं की, बहुत बड़े बड़े खतरे भी मोल लिए हैं, तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तुमने मुझे लक्ष्य और कामयाबी का लेक्चर दिया था और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, और अब तुम गुंडों के हाथों पिट के आए हो, तो यही है तुम्हारा लक्ष्य और कामयाबी? भगवान तुम्हारे सारे सपने सच करें, तुम्हारी कहानी पर जल्द ही कोई फिल्म बने। जरा प्रैक्टिकली सोचो, जीवन अलग होता है, सपने अलग होते हैं। जो कहानियां कविताएं तुम लिखते हो उनकी समाज में कोई कीमत नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी। हाँ अथर्व, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। सर, मैं कृति से मिला था। एक बात बताता हूँ सर, मन में इच्छा हुई कि पेड़ पर से आम खा लूं, उन्हें तोड़कर नीचे लाने के लिए मैंने पत्थर मारना शुरू कर दिया, मगर जैसे जैसे वक्त बीता तो फल खाने की बजाय पत्थर फेंकने में मुझे मजा आने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब? सर, अपनी कहानी में मदद मिल जाए इस लक्ष्य से मैं कृति का पीछा करने लगा, लेकिन अब तो कहानी से ज्यादा मुझे कृति में दिलचस्पी होने लगी है। सर, तो आगे क्या करोगे? गलत मत समझिए सर, अब कहानी आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं बचे हैं, क्योंकि मेरे दिल पर अब कृति ने अपना नाम लिख दिया है। मैं कुछ ही दिनों में आपको फोन करूंगा सर। आई एम रियली सॉरी सर। कृति अथर्व को इत्तेफाक से मिली थी और कहानी को एक अजीब सा मोड़ दे दिया।
अथर्व को लगता था कि कहानी उसका सब कुछ है, वो अपने लक्ष्य से भटक गया। अथर्व ने खुद को कृति के प्यार में समर्पित कर दिया। कृति अथर्व को इत्तेफाक से मिली थी और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। अथर्व को लगता था कि कहानी ही उसका सर्वस्व है, वो अपने लक्ष्य से भटक गया। अथर्व ने खुद को कृति के प्यार में समर्पित कर दिया। उसके बाद सुनो सर, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक कहानी है, मुझे लगता है इस कहानी के सारे कैरेक्टर्स असली हैं। ये कृति कौन है? अगर ये कृति हमें मिल गई तो हमें सारे सबूत मिल जाएंगे। सुनो, जिंदा या मुर्दा कृति हमें हर हाल में मिलनी चाहिए, समझ गए ना? ओके सर। कॉल रिकॉर्ड चेक करो, आखिरी 5 कॉलर्स को मेरे सामने लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। कैरेक्टर्स की अच्छी रचना करने के बाद मैंने कहानी बनाने का तय किया, मगर सारी घटनाओं पर नजर दौड़ाने के बाद अब लगता है कि रियल कहानी बनाने की बहुत संभावना है। सर जी, मुझसे टेक्निकली बातें मत किया कीजिए, अब तो बताइए कि वो कैरेक्टर कौन है। उस कैरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा मैं। आ, क्यों? मगर वो एक राइटर है। एक राइटर की कहानी? ये तो टेलर को कपड़े सिलाकर देने जैसा हुआ। जैसे एक चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है, वैसे ही उसके जीवन की एक छोटी सी प्रॉब्लम काफी है। बहुत ही तगड़ी और इंटरेस्टिंग कहानी होगी। मैं एक ट्विस्ट का इंतजार कर रहा हूं, एक बार वो आ जाए तो कहानी मेरे कंट्रोल में होगी। जब मैं चेन्नई में थी, तुम रोज कॉल करके मुझसे बात करते थे, उसके लिए थैंक्स। पर अब क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे? कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच कह रहे हो? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। छोड़ो, मैं एक नई कंपनी शुरू कर रही हूँ और तुम उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। अरे डरो मत, सिर्फ पेपर पर अथर्व। ये बात बताकर मैंने अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात भी की है अथर्व, और खुशी की बात यह है कि मेरे माँ बाप हमारी शादी के लिए मान गए हैं। सपना, मगर कुछ मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। साफ साफ बता देता हूं, तुम बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हो, मगर मैं बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हूं। मेरे लिए और मेरे दिल के लिए जज्बात और सपने बहुत जरूरी हैं, लेकिन तुम हर बात में हकीकत बीच में लाती हो। ये समझ में नहीं आता कि तुम सही हो या मैं गलत हूं। हमारे बीच मैं कोई पुल बनाने की बजाय खाई पैदा करता जा रहा हूं, जो आगे चल के बहुत मुश्किलें पैदा करेंगी। सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इसमें मतभेद के भंवर पैदा हो चुके हैं। मान लो अगर हम जबरदस्ती एक हो भी जाते हैं तो इस भंवर में हम डूब सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो पूरी तरह प्रैक्टिकल है।
हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर होगा। अथर्व प्लीज, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया, यहाँ से बाहर गई, वहाँ काम किया, और अब मैं ये बिजनेस भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही शुरू कर रही हूँ। सपना प्लीज समझने की कोशिश करो, कृति मेरे जीवन में आने के बाद। बस करो, बस, अब एक लफ्ज मत कहना, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो तुम सपना को नहीं देखोगे, तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊंगी कभी। सपना प्लीज, सपना, सपना प्लीज, सपना, सपना। अथर्व, फिक्र मत करो मेरे प्यारे राइटर, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं कि आत्महत्या कर लूं। तुम्हें लगा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें याद करके रोती रहूंगी? नेवर। खेल तो अब शुरू होगा, अब। सपना अपने आप को कंट्रोल करो जरा। माना कि मैंने अथर्व को अपने टीम में लिया है, उसे कहानी लिखने की जिम्मेदारी भी दी है, मगर उसकी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी नहीं कर सकता मैं, एंड उसके साथ तुम्हारे ब्रेकअप का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कृति से मेरा क्या लेना देना? झूठ मत बोलिए, मैं जानती हूँ आपने आपने ही किया ये सब। Just shut up. You shut up. Mind your language, सपना। ये मुझे आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा, आप तो एक डायरेक्टर है ना, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि खेल कब और कैसे शुरू करना है। बहुत अच्छे से प्लान करके अंजाम दिया है आपने, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैडम, तमीज से बात कीजिए। मैम प्लीज, मुझे रोकिए मत, आप मेरी तकलीफ जानती नहीं है, दिखा दूंगी, आपके फैंस आपसे नफरत करेंगे। वेरी सॉरी सर, पर्सनल वजहों से कहानी से थोड़ा कट गया था, लेकिन अभी कहानी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं सर। अथर्व, जब तक मैं फोन ना करूं मुझे कांटेक्ट मत करना तुम। इतने मायूस क्यों हो अथर्व? डायरेक्टर नाराज है मुझसे, उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। निगेटिव क्यों सोच रहे हो तुम? मे बी वो किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बिजी होंगे। तुमसे अथर्व को दूर करके मुझे क्या मिलने वाला है? प्रैक्टिकली सोचो, तुम जज्बाती मूर्खों की तरह बर्ताव कर रही हो सपना। जज्बाती हुए बगैर और मैं कर भी क्या सकती हूँ सर? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते बताइए? अगर एक बेटी रोती है तो कोई भी बाप उसे नहीं देख सकता, मैं रास्ते से वो अड़चन ही हटा देता जो उसके रास्ते आती। अगर आपके ये जज्बात हैं सर तो मेरा क्या हाल होगा? उसके बारे में सोच के मेरा खून खौल उठता है, मगर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। ताकत से आप कुछ भी नहीं कर सकते, मगर बुद्धि से कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए हमें शिकार करना होगा। हेलो, ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे सर पर आसमान गिरा हो? तुम सीधे उनके घर जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? अथर्व, अथर्व, मामा प्लीज, प्लीज मामा, छोड़िए मुझे, अथर्व, नहीं, छोड़िए मुझे। जीवन के अपने लक्ष्य को पीछे छोड़कर प्यार के सोनेरी हिरण के पीछे भागते हुए अथर्व की अवस्था चिंताजनक स्थिति पर पहुंच गई थी। मगर एक शर्त है,
अथर्व को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी भी एक शर्त है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कृति को कुछ नहीं होना चाहिए। मामा प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मामा। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मामा छोड़ दीजिए मुझे। नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं कृति, कृति, हेलो सर। मैं एक मीटिंग में था, बोलो क्या बात है। सर क्या बोलूं आपसे, मेरी जिंदगी तो गड्ढे में चली गई है सर। हे अथर्व क्या हुआ? अथर्व मैंने तुमसे पहले ही कहा था कृति के पीछे जाना खतरनाक हो सकता है। अगर हम पिछली बातें पोस्टमार्टम करते रहेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा सर। मुझसे क्या चाहते हो? मुझे बस कृति चाहिए सर, और कुछ नहीं। मेरी मदद कीजिए सर। लगता है किसी ने तुम्हें कृति से दूर करने का प्लान बनाया है, अपने जाल में फंसा रहे हैं। क्या करोगे अब? अगर कोई मेरे प्यार के साथ आग मिचोली खेलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कूल, कूल। कृति को किडनैप किया है उसके अपने मामा रंजन ने। Cheers। अपने प्यार को खोने के बाद अथर्व की जिंदगी जैसे उजड़ गई, उसका रास्ता पेचीदा और मुश्किलों से भर गया और अंत हुआ ट्रेजेडी में। ए बस्या। सर तुम्हारी तरफ से सब तैयारी है ना? सर बस हुकुम करो और मैं तैयार हूँ। मैंने जो कहा था वो याद है ना तुम्हें? आप फिक्र मत करो सर, मेरा गणित कभी गलत नहीं होता। एक बार उस रंजन का विकेट गिरा के मैं सीन में एंटर कर जाऊंगा। उस अथर्व की लाश को मैं बहुत जल्द आपको पार्सल करता हूँ सर। तो फिर मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। सर अंत में दो लड़कियां बच जाएंगी, उनका मैं क्या करूँ? ए लड़कियों के साथ में कोई भी गड़बड़ी नहीं करना, वो मेरा डिपार्टमेंट है। ठीक है सर, एक बार काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। सुनो बेटा, तुम एक बच्ची हो और सारी जिंदगी वही रहोगी। लो साइन कर दो इस पर। हाँ करो। मैंने आपको पिता समान माना था। हाँ मगर तुम्हारी औकात उनके जूते के बराबर भी नहीं। ए
मैं यहाँ तेरा ड्रामा देखने नहीं आई हूँ, समझी? नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, बच्ची है, मैं संभाल लूंगा। सिर्फ बोलने से आम पेड़ से टूटकर नीचे नहीं गिरते, उसके लिए पत्थर मारना पड़ता है। मुझे मालूम है कि कब और कहां उसे मारना है, मुझे मत समझाओ। बंदूक नीचे रखो। मैंने पहले ही कहा था। हमारी शर्तों के मुताबिक तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। सपना पागल लड़की है, ऊपर से गर्म मिजाज भी। देखो बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानना है। लो, इस पेपर पर साइन कर दो बेटा। मैं मर जाऊंगी मगर पेपर साइन नहीं करूंगी। मेरी सब्र का इम्तिहान मत ले, साइन कर यहाँ पर। चेकमेट। तुमने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर दिया, कमाल की स्पीड है बस यार। सर, KNN चैनल से न्यूज रिपोर्टर शरद आपसे मिलने आए हैं। किस लिए? आज आपका इंटरव्यू था ना, शायद इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। कैंसिल कर दो। मैं वजह क्या बताऊं? ये क्या किया तुमने? बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, मैंने गोली नहीं चलाई। फिक्र मत करो रंजन, गलती अभी हुई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तेरी तो हाथ में बंदूक पकड़ लेने से काफी नहीं होता, उसे चलाने की हिम्मत भी चाहिए। आपने कहा था स्क्रिप्ट अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी, इसलिए फोन किया। तो क्या मैं प्रेस मीटिंग बुलवा लूं? प्रेस मीटिंग में क्या बैले डांस करूंगा मैं? अरे शांत हो जाइए सर। तुम खुद को दोस्त कहती हो? अथर्व, नहीं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं कृति को गोली मार दूंगी। अथर्वा, तुम मेरी फिक्र मत करना मगर इन पापियों को छोड़ना मत। एक बात याद रखना, कृति को एक खरोच भी आई ना तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। अथर्वा, कहां जा रहे हो तुम? अथर्वा, क्या बात है, क्या हो गया वस्या? सर, अपना प्लान फेल हो गया सर। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? सर, यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है। बसया, बसिया, बसिया,
बस्या। ये बस्या, क्या हुआ डायरेक्टर? मुझे आपने पहचाना ना? हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सपना? जल्दी भूल गए डायरेक्टर साहब। बस्या, ए, ए, बब, बस्या। शैतान, तेरा अंत करीब आ गया है। खल्लास, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तू। क्या रे बस्या, कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? ये 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 अंदर क्या हो रहा है? ए बस्या, चूहा एक बार पिंजरे में आ जाता है तो वहीं उसका अंत होता है, कहानी भी खत्म हो जाती है। तुम यहां कैसे? मेरे सवाल का जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? मैं जवाब दूंगा, जरूर जवाब दूंगा। रिलैक्स, जरा अपने फ्लैशबैक में आ जाओ और याद करो, मैं तुम्हें अपनी तीसरी कहानी सुना रहा था लेकिन तुमने मुझे वो पूरी नहीं करने दी। सर, इसका टाइटल है प्यार की खातिर। एक हीरो और उसकी फ्रेंड सौंदर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू आदि। आई लव यू टू सौंदर्या। स्टॉप इट। मगर आज यहां अभी मैं उस कहानी को पूरा करूंगा। डोंट बी टू स्मार्ट, तुम मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकते। कौन हो तुम बोलो? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत में जाना पड़ेगा, पिछली बातों को याद करना होगा। आदि, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सौंदर्या, बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सिलेक्ट कर लेंगे ना? रिजल्ट की चिंता मत करो, बस ऑडिशन में अच्छा करना। तुम समझ गई ना? काम होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं आकर पिक कर लूंगा। सौंदर्या, ऑल द बेस्ट।
दैट्स ट्रू, पर मेरे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, ओके? या? नमस्ते सर। नमस्ते, सौंदर्य। यस। ऑडिशन के लिए आई हो? हाँ सर। वहाँ ऊपर मेरे कमरे से डायलॉग का पेपर ले लो, तैयारी करो, मैं आता हूँ। श्योर सर, थैंक यू। मैं बाद में फोन करता हूँ आपको सर। एक्शन। सुबह मुर्गा बांग दे या ना दे, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर वाला पति ऑफिस जरूर जाएगा। अगर मैं मुर्गे का इंतजार करूं जगाने के लिए तो मुझे ब्रेड और जैम खाना पड़ेगा। मौसम कितना रोमांटिक है, बीवी रोमांटिक मूड में है, मगर मेरा पति है कि ये सब नहीं चाहिए उसे, तो बस एक ही चिंता सताती रहती है, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। लगता है मैडम ने डिसाइड कर ही लिया है आज मेरी तपस्या को भंग करके ही रहेंगी। हे रिलैक्स सर। देखो डायलॉग का फ्लो नेचुरल लगे इसलिए मैं ये डेवलप कर रहा हूँ। मगर ये डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं है सर। सुनो सौंदर्या, कुछ सीन और कुछ डायलॉग्स मौके पर ही तैयार किए जाते हैं, मौके पर ही बदलना जरूरी होता है ना? मैं समझी नहीं सर। अगर तुम अपना नाम फिल्म के पर्दे पर देखना चाहती हो तो फिर डायलॉग और एक्टिंग नेचुरल होने चाहिए ना। आसान शब्दों में कहूं तो अगर तुम मेरी फिल्मों की हीरोइन बनना चाहती हो तो पहले मेरी खुशी का ख्याल करो। ए, मैंने आपको भगवान जैसा माना था सर। बिल्कुल हूँ, रोज पहले तुम खुद को मुझे अर्पित करो फिर देखो। तो पापी, मुझे कोई स्टार बार नहीं बनना और तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। एक बार चूहा पिंजरे में फंस जाए तो वो उसका अंत होता है, कहानी खत्म हो जाती है। बस अपनी इज्जत को लेकर जो पागल होते हैं ना, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ने का। कहानी खत्म कर दे उसकी अब। आप फिकर मत करो सर, मैं ना उसे मरने दूंगा और ना जीने दूंगा, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सौंदर्य प्रॉब्लम में है, तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हादी
ये सब क्या हो गया? ए, बताओ मुझे। देसाई ने सौंदर्य के चेहरे पर एसिड डाल दिया। सौंदर्य, क्यों किया उसने ऐसा? सौंदर्य, 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 जिस देसाई ने तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके ही घर में उसकी कब्र बना दूंगा। कुछ याद आया? उस दिन जाने से पहले मैंने आपको चैलेंज किया था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी लिखकर लौटूंगा, तब तक नहीं आऊंगा। इट्स माय चैलेंज। उसके बाद जब मैंने पुलिस अंकल की मदद ली, बस ये एक ही हेल्प चाहिए, और ड्रग माफिया के चक्कर में पड़ गया, तो आपने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया अपनी नई फिल्म की कहानी की तलाश में। आप हमारी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। यू आर पार्ट ऑफ माय टीम। सर थैंक यू सर, मुझ पर आपको जो विश्वास है उसमें मैं खरा उतरूंगा। बाद में आप बसिया के जरिए मुझ पर नजर रखने लगे, मैं ये बात जानता था, मगर आप ये नहीं जानते थे कि अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक दुनिया रची थी। आज के बाद मुझे आदि मत बुलाना, अथर्वा। आज से तुम कृति हो और तुम सपना। तुम्हारी एक्टिंग टॉप क्लास की होनी चाहिए। कोई अगर सोते से भी जगाए तुम अपने कैरेक्टर से नहीं हटोगी। थोड़ी भी गलती हुई तो शिकार हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि देसाई की चील जैसी नजर हमेशा हम पर रहेगी। अथर्व के प्यार में पड़ने वाली सपना का पात्र मेरा रचा हुआ था, और कृति जैसी सरप्राइजिंग लड़की के प्यार में पड़ने वाला अथर्व भी मेरा ही रचा हुआ था। किरण और रंजन मामा के पात्र भी मेरे ही उपज थे। भले ही मैं आपके साथ होता था, शक की कोई गुंजाइश छोड़े बिना मैंने आपको अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब याद आया आपको? बोल घटिया इंसान, हमको पहचाना? देखो मेरी सौंदर्य के साथ तूने जो अन्याय किया है वो आज तुझे इसी जगह पर भुगतना पड़ेगा। नहीं अथर्व, मेरी बात सुनो। डायरेक्टर, तू कहीं भी छुप जा, लेकिन मैं तुझे ढूंढ ही निकालूंगा, क्योंकि ये मेरा जुनून है। आई एम सॉरी अथर्व, मुझे माफ कर दो। I am sorry to say this, sir. Unfortunately, he is dead. Sir, हमें एक और बॉडी भी मिली। सर, रिवॉल्वर और बुलेट्स दोनों देसाई के ही है। और
लाइसेंस भी उसी के नाम का ही है। इंटरेस्टिंग। फिंगरप्रिंट्स भी देसाई के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। देसाई की उंगलियों के निशान बसिया की लाश पर भी है। एक और बात सर, देसाई और बसिया के अलावा कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स असल जिंदगी में है ही नहीं। ओके, इसे मैं देख लूंगा। अपने प्यार को खोने के बाद अथर्व पागल सा हो जाता है। उसकी जिंदगी एक ट्रेजिक मोड़ पर आ जाती है। ये अथर्व कौन है? जहां तक मुझे पता है, देसाई साहब एक राइटर पर फिल्म लिख रहे थे। मुझे लगता है अथर्व ही वो राइटर होगा सर। राइटर? आप कभी उससे मिले हैं? सर वेंकटेश, मैं बोलती हूँ। दरअसल मुझे नहीं लगता असल जिंदगी में अथर्व नाम का कोई राइटर है। ज्यादातर देसाई सर ही अपनी स्टोरी के लिए ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करते थे। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं मैडम? देसाई सर कोई भी कहानी लिखते समय उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे, यहाँ तक कि खुद को उस कैरेक्टर में ढाल लेते थे। आपने देसाई का इस तरह का व्यवहार पहले भी कभी देखा है क्या? हाँ, वो कुछ साल पहले अघोरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते समय देसाई सर 6 महीने के लिए हिमालय गए थे। वहाँ वो अघोरियों की जिंदगी को बहुत ही करीब से देखना चाहते थे। वहाँ वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए थे। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी चला। आप उनकी पर्सनल असिस्टेंट है ना? यस सर। हमने देसाई के फोन पर कई अनजान नंबरों को नोटिस किया है, मगर जब हमने उन्हें ट्रेस किया तो पाया कि वो उनके हैं जो मर चुके हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि ये फोन उन्हें कौन कर रहा है? सर एक्चुअली उनके पर्सनल कॉल्स वो खुद ही उठाते थे। मैं उनके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती थी। सॉरी सर। थैंक यू मैडम। माय प्लेजर। थैंक यू सर। इट्स ओके सर। हाँ बोलो तिलक। सर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि देसाई की मौत एक सुसाइड है। Are you sure? मुझे पूरा यकीन है। सारे सबूत उसी तरह इशारा करते हैं। सबूत? यस सर। देसाई, इतने सालों तक तुमने मासूम लड़कियों का फायदा उठाया है, आज जाकर सबको इंसाफ मिला। इस कहानी का नायक है अथर्व। सफलता के रास्ते में अड़चनों का आना स्वाभाविक है। कृति की खातिर अपने नैतिकता के बंधन तोड़ डाले, जंगली घोड़े की तरह उसके पीछे भागता रहा। कृति के प्यार में अपने आप को समर्पित कर दिया अथर्व ने। प्यार नाम के सुनहरे हिरन के पीछे भागते हुए अथर्व की अवस्था चिंताजनक हो गई थी। अपने प्यार को खोकर अथर्व के जीवन का रास्ता गलत रुख अख्तियार कर लेता है, जिसका अंत ट्रेजेडी में होता है। कहानी की कल्पना आधारित है देसाई की कहानी पर। आदि, BB5 सक्सेसफुल।